वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स अ काइंड ऑफ मर्डर। ये फिल्म एक अमेरिकन मिस्ट्री थ्रिलर है। पैट्रिशिया हाईस्मिथ की नॉवल द ब्लंडर पर यह बेस्ड है। क्या होता है जब एक राइटर अपने ख्यालों की उड़ान में इतना उड़ जाता है कि सब कुछ मेस्ड अप कर देता है, यहाँ तक कि अपनी लाइफ और साथ ही अपनी मैरिड लाइफ को भी। कहानी की थीम लाइन एक मर्डर पर बेस्ड है, उसी के सिमिलर एक और मर्डर, और इसी के इर्द गिर्द इस कहानी की रचना की गई है। फिल्म को ट्रिबिका फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया गया था। पैट्रिक विल्सन की एक्टिंग की वजह से भी ये फिल्म काफी सराही गई थी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमने उत्तराखंड के खूबसूरत लोकेशंस के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वॉल्टर अपने खूबसूरत घर में अपनी वाइफ क्लेरा के साथ रहता है। शादी को 5 साल हो चुके हैं। शादी के शुरुआती दिन तो बड़े अच्छे रहे, दोनों में प्यार भी खूब था, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी खूब थी। पर जैसे जैसे साल दर साल गुजरते जा रहे हैं, इन दोनों में मन मुटाव बढ़ता जा रहा है। अब वो बात नहीं रही, रोज़ झगड़े होने लगे हैं। क्लेरा भी अब क्लिनिकली डिप्रेस्ड रहने लगी है। वो कभी कभी बड़ा अजीब सा बिहेव करती है, एकदम से गुस्सा हो जाती है फिर शांत हो जाती है। वॉल्टर ने उसे कई बार कहा कि किसी डॉक्टर को विजिट कर लेते हैं, पर वो इस पर कभी भी राज़ी नहीं होती, उल्टा और भी गुस्सा हो जाती है। अब तो वॉल्टर इस शादी से बाहर निकलने के सपने देखने लगा है, पर क्या वो इतनी आसानी से इस शादी से निकल पाएगा? वो दिन में तो आर्किटेक्ट का काम करता है और रात को अपनी कहानी लिखने में व्यस्त हो जाता है, पर राइटिंग का प्रोफेशन उसे अपनी तरफ खींचता है। वो घरों के डिज़ाइन बनाता है और फिर जब रात को फ्री होकर अपने घर लौटता है तो अपनी लिखाई में व्यस्त हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्लेरा भी एक रियल एस्टेट एजेंट है। वो घरों को बिकवाने खरीदवाने का काम करती है। करियर वाइज तो बहुत सक्सेसफुल है, पर मैरिड लाइफ में उसके क्लिनिकल डिप्रेशन की वजह से बड़ी परेशानियाँ खड़ी होने लगी हैं। एक रात अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर वॉल्टर ने पार्टी थ्रो की। इसमें वॉल्टर की दोस्त एली का भी आना हुआ। जब वॉल्टर एली के साथ बातें करने में मशगूल था तब क्लेरा ने उसे देख लिया। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पार्टी तो खत्म हो गई पर अगली सुबह वॉल्टर के लिए मुसीबत भरी रही। क्लेरा ने उसे बहुत कुछ सुनाया, उसे ये तक कह दिया, तुम्हारा एली के साथ अफेयर है, एडमिट करो। वॉल्टर ने भी ज़्यादा सफाई नहीं दी क्योंकि वो जानता है वो कुछ भी कहे क्लेरा अपनी ही बात को ऊपर रखेगी। पर अब वो इस शादी से बाहर निकलने का मन बना चुका है। उसने कहा, मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। क्लेरा ने कहा, इसके पहले ही मैं सुसाइड कर लूँगी और सुसाइड लेटर छोड़े जाऊँगी, सारा इल्ज़ाम तुम पर आएगा। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। वॉल्टर को समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। आज उसने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा, इसमें एक औरत की हैरिस रेनबो हिल पर जान चली गई। उसका पति किमेल एक बुक स्टोर को चलाता है। ये आर्टिकल पढ़कर वॉल्टर को पूरा यकीन है कि ये कोई मर्डर है और इसमें उसके पति किमेल का हाथ है। वो इस पर कहानी भी लिखने लगा है, अपनी स्टोरी को फैंटेसाइज भी करने लग गया है। अब उसे बड़ी उत्सुकता हो रही है किमेल से मिलने की। आखिर कैसा होगा वो शख्स जिसने अपनी पत्नी का खून किया हो? वो कैसा दिखता होगा? उसके बाल कैसे होंगे? उसका रूटीन क्या होगा? ये सब जानने के लिए वॉल्टर ने किमेल का पता लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद वो पहुँचा किमेल की शॉप पर एक कस्टमर बनकर। उसने जानबूझकर ऐसी बुक की डिमांड की जो यहाँ थी ही नहीं। किमेल ने कहा, मैं आपके लिए बुक ऑर्डर पर मंगवा देता हूँ। वॉल्टर ने एडवांस दे दिया और यहाँ से चला गया। जाते जाते उसने कहा, मुझे दुख है कि आपकी पत्नी ब्रिज से गिरकर मर गई। ये कहने के बाद वो किमेल का रिएक्शन देखने लगा। किमेल के हाव भाव देखकर वॉल्टर को पूरा यकीन है कि किमेल का ही हाथ है उसकी पत्नी को मारने में। डिटेक्टिव मिलर भी इस केस को देखने में लगा है। अब वॉल्टर के दिमाग में बार बार ये कहानी घूम रही है कि क्या वो अपनी पत्नी से इस तरह छुटकारा पा सकता है और क्या वो किमेल की तरह बच भी सकता है। अभी उसने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया है। जब वो घर पहुंचा तब क्लेरा ने कहा, मैं जानती हूँ तुम एली से मिलकर आ रहे हो। इसके बाद वो और भी गुस्से से वॉल्टर के साथ बर्ताव करने लगी। इसी बीच अगले दिन क्लेरा ने कहा, मैं अब कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ, जब मुझे अच्छा महसूस होगा तब मैं वापस आ जाऊँगी। वॉल्टर उसे बस स्टॉप पर छोड़ने आया। इत्तेफाक से ये बस भी उसी ब्रिज से होकर गुजरेगी जहाँ से किमेल की वाइफ गिरकर मरी थी। जब क्लेरा अपनी बस पकड़ चुकी थी तब वॉल्टर ने यहाँ स्टॉप पर बैठे एक पैसेंजर से पूछा, ये बस हैरिस रेनवे हिल पर कितनी देर रुकती है? उसने कहा 15 मिनट। अगली सुबह जब वॉल्टर उठा तब उसे क्लेरा के घर से फ़ोन आया, क्लेरा कहाँ है? वॉल्टर ने कहा, वो अभी तक पहुँची नहीं है। इसके बाद न्यूज़पेपर में ये खबर छप चुकी है कि हैरी रेनबो हिल पर एक और महिला की डेथ हुई है। अब क्लेरा की डेथ में वॉल्टर का हाथ है या नहीं, ये अब इस कहानी में रहस्य है। ये केस भी डिटेक्टिव मिलर संभाल रहा है। दो औरतों की मौत एक ही ब्रिज पर, वो भी इतने कम समय में, कुछ तो राज है। सबसे पहले मिलर मिला है वॉल्टर से। उसने पूछा,
क्या तुम डेथ वाली रात को क्लेरा को छोड़ने आए थे? वॉल्टर ने कहा, नहीं। तुम कहाँ थे? वॉल्टर ने कहा, मैं एली के साथ था। अब मिलर को दाल में कुछ काला लग रहा है। उसने उस पैसेंजर को ढूंढ निकाला जिससे वॉल्टर ने ब्रिज पर बस के रुकने का ड्यूरेशन पूछा था। उसे वॉल्टर के सामने खड़ा करके मिलर ने पूछा, क्या यही वो शख्स है? उसने भी कहा हाँ। अब वॉल्टर का पहला झूठ पकड़ा गया है। मिलर का अब उस पर शक करना लाजमी है। और तो और, अपनी पत्नी के मरने के कुछ ही दिनों के अंदर उसने एली को अपने घर बुलाना शुरू कर दिया है। अब मिलर को ज़रूरत है तो बस सबूत की। इसके बाद वॉल्टर मिला किमल से उसके स्टोर पर और कहा, मिलर से कभी मत कहना कि मैं तुमसे मिला था, वरना मैं ये बता दूंगा कि अपनी वाइफ का मर्डर, जो कि सबकी नज़रों में आत्महत्या है, उसे तुमने अंजाम दिया है। इसके बाद वॉल्टर यहाँ से चला गया। इस समय किमल के चेहरे पर शिकन है। जब मिलर उसे पूछताछ करने आया तब उसने बयान दिया कि कल वॉल्टर उससे मिलने आया था। इस पर अगले दिन मिलर ने वॉल्टर से पूछा, क्या तुम किमल से मिले हो? वॉल्टर ने कहा, नहीं। अब मिलर को पूरा यकीन है कि वॉल्टर ही जिम्मेदार है क्लेरा के खून का। वो अब तक तो किमल की वाइफ को सुसाइड समझ बैठा था, पर अब उसे इस केस पर भी शक होने लगा है। ये सब देखकर किमल को बड़ा गुस्सा आ रहा है वॉल्टर पर, जिसकी वजह से वो पुलिस के शिकंजे में फंसता जा रहा है। उसने अच्छा खासा एक मर्डर से अपने आप को निकाल लिया था। सब यही समझ रहे थे कि ये एक सुसाइड है। वॉल्टर ने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया। इधर जब एली को वॉल्टर के क्लेरा के कत्ल में इन्वॉल्व होने का शक हुआ, तब उसने भी वॉल्टर से किनारा कर लिया और अब उसे मिलना जुलना बंद कर दिया है। वॉल्टर रोज़ अपनी कहानी को लिखता रहता है। उसमें इतना इन्वॉल्व हो गया है कि वो सब कुछ भुला बैठा है। इसी बीच किमल उसके पास आया उस रिसिप्ट के साथ जो उसने पहली मुलाकात में बुक ऑर्डर करने पर बनवाई थी। किमल ने कहा, अगर मैंने ये रिसीट पुलिस को दिखा दी तो तुम्हारा जेल जाना तय है। इससे ये साबित हो जाएगा कि अपनी पत्नी के मरने से पहले भी तुम उससे मिल चुके हो, उसके बाद तुमने अपनी पत्नी को मारने का आइडिया लिया और फिर क्लेरा की मौत को अंजाम दिया। वॉल्टर ने पूछा, तुम्हें चाहिए क्या? किमल ने कहा, सिर्फ पैसे और कुछ नहीं। वॉल्टर ने कहा, मुझे कुछ सोचने का समय दो। इसके बाद किमल तो यहाँ से चला गया, पर वॉल्टर मिला मिलर से और कहा, किमल से मैं अपनी पत्नी की मौत से भी पहले मिला था, ये देखने के लिए कि जिसने अपनी पत्नी को मारा हो वो दिखता कैसा होगा। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मिलर ने उसकी बात तो सुनी पर कहा, तुम मुझसे बच के रहो, बहुत जल्द मैं इस केस की रिपोर्ट सबमिट करने वाला हूँ, तुम्हारा बचना अब बहुत मुश्किल है। इसके बाद वो चला गया। अब वॉल्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसने किमल को फॉलो किया। किमल इस समय उस ब्रिज की तरफ जा रहा है जहाँ उसकी पत्नी की डेथ हुई थी। दरअसल उसी ने उसे मारा था। अब उसे शक है कि कहीं उसने कोई सबूत तो वहाँ नहीं छोड़ दिया। उसके पीछे पीछे वॉल्टर भी छिपे छिपे जा रहा है। उसे अपनी कहानी पे काम करना है, इसलिए वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। ब्रिज के नीचे बहुत अंधेरा है। किमल ने महसूस किया कि वॉल्टर उसके पीछे है। इधर मिलर ने जेफरसन को भेजा है इन दोनों के पीछे, पर जब जेफरसन किमल के पीछे था तब किमल को लगा कि वॉल्टर है। वैसे ही वो वॉल्टर से गुस्सा है, जिसकी वजह से उसे ये सब करना पड़ रहा है। उसने चाकू से स्टैब करके उसे मार दिया, पर बाद में जब उसने उसकी शक्ल देखी तब उसे लगा कि उसने गलत आदमी को मार दिया है। वॉल्टर दूर से खड़ा ये सब देख रहा था। वो भागा, किमल उसे मारने दौड़ा। इतने में मिलर अपनी साथी के साथ यहाँ पहुँच गया था। उसने किमल पर गन चला दी और किमल यहीं मर गया। वॉल्टर अभी भाग ही रहा था। मिलर को अंधेरे में आइडिया ही नहीं लगा कि ये कौन है। उसे लगा कोई चोर है, उसने गन चला दी और इस तरह वॉल्टर की जान भी अब जाने को है। मरते मरते उसने कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, सिर्फ अपनी स्टोरी को फैंटेसाइज किया। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैं किमल से मिलता रहा उसकी पत्नी की मौत के बारे में जानने के लिए। इसके अलावा मैंने कोई गुनाह नहीं किया। और इसी नोट के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। इसका मतलब क्लेरा की मौत में वॉल्टर का कोई हाथ नहीं था। वो भला किसी का मर्डर कैसे कर सकता है? वो तो क्लेरा थी जिसने अपने आप को उसी ब्रिज से गिराकर मार डाला। और जब दो मौतें एक जैसी हुई तब इस केस की छानबीन होनी शुरू हुई। यानी पहले किमल ने अपनी वाइफ को मारा, वॉल्टर ने इस कहानी को फैंटेसाइज करना शुरू किया। उसका शक सही था कि किमल ही जिम्मेदार है अपनी पत्नी की मौत के लिए, पर इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होना उसे भारी पड़ा और वो अपनी जान गंवा बैठा। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसे लगी कमेंट से जरूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और किसी फिल्म या वेब सीरीज़ की कहानी आप देखना और सुनना चाहें तो उसे भी मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड पर।